नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनधन की पहली किश्त 1 लाख लाभार्थियों को कुल 540 करोड़ रुपए के आवास की राशि जारी की। इस मौके पर पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम जनधन और केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनमन यात्रा ने पिछले 2 महीने के अंदर विकसित संकल्प भारत यात्रा ने 80,000 अति पिछड़ा आदिवासी आयुष्मान कार्ड बनाए, 30,000 लोगों को किसान सम्मान निधि दी गई, 40,000 लोगों के बैंक खाते खोले गए। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद कर उनके अनुभव जाने। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के तहत मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी ली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेघालय और असम के 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पहले दिन तुरा के पीए संगमा स्टेडियम में मेघालय गेम्स का उन्होंने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ कई गणमान्य हस्तियों ने हिस्सा लिया। तुरा के पीए संगमा स्टेडियम में मेघालय गेम्स का शुभारंभ के मौके पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों का यह सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्वोत्तर में खेल की पुरानी परंपरा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्चरी गेम यहाँ के आदिवासियों की, देश और दुनिया की सबसे बड़ी देन है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना के 150वीं वर्षगांठ पर दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस मौके पर भारतीय मौसम विभाग संस्थान की एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। भारतीय सेना के 76वें स्थापना दिवस के मौके पर लखनऊ में शौर्य संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के शौर्य बलिदान और गौरवशाली उपलब्धियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना में साहस, शौर्य और भारतीय मूल्य कूट कूट कर भरे हुए हैं। थलसेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना के अदम्य साहस की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि सीमा पर मुस्तैदी के साथ तैनात सेना दुश्मन की हर नापाक हरकत को विफल कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के दौरे पर हैं। डॉक्टर जयशंकर ने तेहरान में ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश से मुलाकात की। भारत और ईरान के मंत्रियों के बीच चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में दीर्घकालिक सहयोग ढांचा स्थापित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैलरी को विजिट करने वाली पहली आगंतुक बनी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर परिसर की नई तस्वीरें साझा की हैं। नई तस्वीरों में मंदिर के अंदर की खूबसूरती और भव्यता को साफ देखा जा सकता है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। इनके बीच सोने के दरवाजों की आभा देखते ही बनती है। 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में देश के विभिन्न हिस्सों से आए विद्यार्थियों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के स्वरूप की रंगोली बनाई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में जिनके सम्मुख सब कार्य होंगे वो प्रधानमंत्री ही हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 16 जनवरी से आरंभ हो जाएंगे और पूजन विधि के सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रायपुर के राम मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के देवगढ़ स्थित गोपाल जी मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विश्व के कई देशों में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि 500 सालों की इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है।
अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मौके पर उज्जैन से करीब 5 लाख लड्डू अयोध्या के लिए भेजे जा रहे हैं। इसे लेकर खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्री महाकालेश्वर भगवान के भोग लड्डू निर्माण इकाई के साथ पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। विपक्षी एकता को सोमवार को जोरदार झटका लगा जब विपक्षी गठबंधन में शामिल होने और न होने की अटकलों के बीच बसपा ने आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन पर साफ कर दिया कि उनकी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि दरअसल गठबंधन में शामिल होने से उन्हें नुकसान होगा, लिहाजा वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे और पद को लेकर मचा घमासान सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इंडी गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग में ये बात साफ हो गई कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के सामने अब और अधिक झुकना नहीं चाहती। नीतीश कुमार ही पटना में विपक्षी दलों को साथ लेकर गठबंधन की उन्होंने नींव डाली, लेकिन हाल के फैसलों में हाशिए पर दिखाई देते हैं। इस बीच जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। विपक्षी खेमे में मची तनातनी के बीच भाजपा ने एक बार फिर गठबंधन पर हमला बोला है। भाजपा ने इसे बेमेल गठजोड़ बताते हुए कहा कि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, 2024 में फिर से मोदी सरकार 400 से ज्यादा सीटों के साथ वापस आ रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कर्नाटक में कहा कि 65 साल पहले यात्रा शुरू करनी चाहिए थी, जब वे सत्ता में थे, जब वे खुद यूपीए सरकार में बेताज बादशाह थे। उन्होंने कोई न्याय नहीं किया और अब वे न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दीवार लेखन अभियान का शुभारंभ किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की। उन्होंने खुद दीवार पर पार्टी के प्रतीक चिन्ह कमल में रंग भरा। भाजपा का यह अभियान बूथ स्तर पर जाएगा। बीजेपी इस अभियान के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार लोगों के बीच करेगी और उन्हें पार्टी से जोड़ने की कोशिश करेगी। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने कहा कि लोग एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का आह्वान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में दीवार लेखन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर कई अन्य लोग भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में देवगढ़ जिले के कांधल गांव में लोकसभा चुनाव के लिए दीवार लेखन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी के निशान कमल में रंग भरा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान दीवार लेखन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक अयोध्या में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दीवार लेखन कार्यक्रम में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के लिए दीवार लेखन अभियान के तहत मध्य प्रदेश में भाजपा के पार्टी अध्यक्ष विष्णु दत्त ने दीवार लेखन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भाजपा का दावा है कि पिछले 10 साल में देश में विकास के नए आयाम शुरू हुए हैं। भारत ने दुनिया में खुद को स्थापित करते हुए एक नई छलांग लगाई है। इसी छलांग को तीव्र गति से आगे ले जाने के लिए एक बार फिर मोदी सरकार की जरूरत है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले दिल्ली के मोतीबाग स्थित प्राचीन शिव मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। देशभर के कई भाग में आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर देशभर में पवित्र नदियों सरोवरों में लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के उत्सव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सभी लोगों को बधाई दी। मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। खिचड़ी चढ़ाने की यह परंपरा सदियों पुरानी है। तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 4 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार के पहले दिन लोग सवेरे सूर्य को अपनी फसल भेंट करते हैं। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने चेन्नई में अपने आवास पर पोंगल का त्यौहार मनाया। पोंगल का त्यौहार 4 दिनों तक चलता है और प्रत्येक दिन इसका अलग अलग महत्व होता है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। भरोसा
मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया, उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार, पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। कैसे कहा था मैंने, क्या होती है असली मर्दानगी? प्यार के साथ संयम, मर्द पहने कंडो मर्दा। शाबाश। और मैंने क्या सिखाया था, क्या होती है छिछोरों की निशानी, कि पहले साल में बच्चा बच्चे करते हैं। और जो मैंने कहा था भूल गया? नहीं, याद है ना कि पहले परिवार नियोजन की बात, फिर सुहागरात। सही बात। देखिए, प्यार के साथ जिम्मेदारी भी निभाना, इसी में असली मर्दानगी है ना। ये किसने सिखाया बे? मेरी अपनी है यार। तुझे तो प्यार हो गया बे। चले चल चल चल। अच्छा सुनना, हमारी भी जिम्मेदारी ले लो बे। हटो बुढ़वा। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार, जो प्लान करे परिवार। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु के मदुरै शहर में पोंगल त्योहार के अवसर पर पारंपरिक जलीकट्टू के खेल का आयोजन हुआ। इसमें शक्तिशाली बैलों को वश में करने वाले निडर युवक अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। रोपड़ अवैध माइनिंग के मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में एनजीटी की तरफ से पंजाब सरकार, रोपड़ डीसी और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी हुए। दिल्ली में सभी स्कूल सर्दियों की छुट्टी के बाद एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। इस बीच ठंड के मौसम को देखते हुए बच्चों को थोड़ी राहत दी गई है। सरकार ने अपने आदेश में स्कूलों को सुबह 9 बजे से के पहले न खोलने के लिए निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में इन दिनों गंगा सागर मेला चल रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ और देशभर में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है, उससे देश के लोग संतुष्ट हैं और प्रसन्न हैं। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर के सेकमाई से कोरोंग तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अयोध्या जोन के पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि आधुनिक तकनीक की मदद से अयोध्या की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। CCTV, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक, कैमरा, ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ज्योतिकुची स्थित अपने आवास पर माघ बिहू मनाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पहले की तरह माघ बिहू मेजी जलोवा की रस्म भी निभाई। तमिलनाडु के मदुरै के अवनियापुरम में जलीकट्टू कार्यक्रम में 2 पुलिसकर्मियों सहित 45 लोग घायल हो गए, जिसमें 9 लोगों को इलाज के लिए मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले चंडीगढ़ में लोगों ने कलश यात्रा का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। हरिद्वार में श्रीराम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा गंगा जल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। IT कंपनियों रिलायंस, HDFC बैंक के शेयरों में जोरदार लिवाली से कारोबारी का सप्ताह का पहला दिन हरे निशान के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 759 अंक की बढ़ोतरी के साथ पहली बार 73,328 पर बंद हुआ। स्थानीय बाजार में सकारात्मक रुख के कारण निफ्टी में भारी बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी लगभग 216 अंक की बढ़त के साथ
22,110 के अंक पर बंद हुआ। आईटीओ मोटर्स को लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज सहित कई शहरों में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को तैनात करने और प्रबंधित करने के लिए ठेका दिया गया है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी अयोध्या में वाहनों की विशेष तैनाती करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य आशिमा गोयल ने कहा कि 2020 के बाद से गंभीर बाहरी झटकों का सामना करने के बावजूद भारत की बृहद बुनियाद बेहद मजबूत है। खाते में पर्याप्त राशि होने के बावजूद अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई। विश्व व्यापार संगठन के अगले महीने होने वाली अहम बैठक को लेकर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 20 जनवरी को सरकारी अधिकारियों और व्यापारिक विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। अबाटा ग्रुप गुजरात में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश करने जा रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कंपनी इन पैसों से राज्य में 6,000 मेगावाट की हाइब्रिड पवन सौर परियोजनाएं संचालित करेगी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बाद भारतीय रियल एस्टेट बाजार में अमेरिकी संस्थानों का निवेश मिल पिछले 39% गिरावट के साथ 13.35 अरब डॉलर दर्ज किया गया। हाल ही में JLL इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से चौंकाने वाला दावा किया गया है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में AI के कारण 40% वैश्विक नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। IMF के विश्लेषकों के अनुसार उभरते बाजार और कम आय वाले देशों की तुलना में विकसित अर्थव्यवस्थाओं को AI से अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। महानदी बेसिन ब्लॉक में लगातार प्राकृतिक गैस खोजों की घोषणा के बाद ONGC के शेयरों में 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन ONGC के शेयर में 230.40 रुपये के साथ 7 साल के उच्चतम स्तर को छूने में कंपनी कामयाब रही। साल 2023 में वाहन कंपनी फॉक्स वैगन की भारत में बिक्री सालाना आधार पर करीब 2% की बढ़त के साथ 1,45,713 इकाई दर्ज की गई। फॉक्स वैगन ग्रुप के जारी एक आधिकारिक आंकड़े में जानकारी दी गई है कि 2023 में कंपनी ने 1,01,465 इकाइयां घरेलू बाजार में बेची, वहीं 44,248 वाहनों का निर्यात किया गया। रेस्तरा क्षेत्र के निकाय NRAI ने आम बजट से पहले रेस्तराओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। संगठन की ओर से सरकार से माल एवं सेवा कर को 5% से बढ़ाकर 12% करने की मांग की गई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने वैकल्पिक निवेश कोष के मामले में डीमैट प्रारूप में निवेश रखने और संरक्षक की नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत अगर सेबी ने छूट नहीं दी तो AIF को अपने निवेश को डीमैट यानी डिजिटल तरीके से रखना आवश्यक होगा। कृषि और कृषि कार्यों से जुड़े उपकरणों पर सरकार द्वारा उच्च कर लगाए जाने के विरोध में जर्मनी के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकारी नियमों के विरोध में हजारों किसानों ने अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर बर्लिन पहुंचकर प्रदर्शन किया है। जर्मनी में जारी किसानों के प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडर ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वित्त मंत्री ने प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। बर्फीले मौसम के बावजूद उत्तर कोरिया में साल 2024 का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। खेल दिवस के अवसर पर दर्जनों छात्रों ने ताइक्वांडो समेत अनेक खेलों का प्रदर्शन किया। वर्ष 1992 से ही उत्तर कोरिया द्वारा हर महीने के दूसरे रविवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री चो सोन हुई रूस की आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे। रूस पहुंचने के बाद चो सोन हुई ने रूसी विदेश मंत्रालय और उत्तर कोरियाई दूतावास के अधिकारियों से मुलाकात की। रूस के दौरे पर पहुंचे चो सोन हुई रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। तुर्कियों ने इजराइल फुटबॉल खिलाड़ी सागिब जहलकेल को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया है। हाल ही में इजरायली खिलाड़ी ने मैच के दौरान कलाई पर बैंड पहना था, जिसमें हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले का विरोध किया गया था। तुर्की सरकार द्वारा बेवजह अपने खिलाड़ी को हिरासत में लिए जाने के बाद इजरायली रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने विरोध जताते हुए कहा कि तुर्की के इस कदम से स्पष्ट है कि तुर्की हमास की वास्तविक कार्यकारी शाखा के रूप में काम करता है। यूक्रेन में युद्ध के कारण बेघर हुए लोगों और यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठनों के सदस्य देशों ने दानदाताओं से कुल $4.2 बिलियन के सहयोग राशि देने का आग्रह किया है।
विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए दावोस जाने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की राजकीय यात्रा पर स्विट्जरलैंड पहुंचे। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 16 से 21 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इंडिया ओपन 2024 में 23 देशों के कुल 247 शटलर हिस्सा लेंगे। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन का कहना है कि पिछले साल के अंत में उन्हें कुछ आराम करने का समय मिल गया था और अब वे नए जोश के साथ कोर्ट पर उतरने के लिए तैयार हैं। इंडिया ओपन के पहले दौर में लक्ष्य का सामना प्रियांशु से होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय ने इंडिया ओपन में अपने घर में खेलने को लेकर काफी उत्साह का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि साल ओलंपिक खेल है, ऐसे में उनका तैयारियों पर विशेष ध्यान रहेगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को हरा दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम मंगलवार को अपने अंतिम पूल मैच में इटली से भिड़ेगी। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए DD न्यूज। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, देखिए खबरें तेज रफ्तार से। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में एंडी मरे को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। एंडी मरे को थॉमस मार्टिन ने शिकस्त दी। ग्रीस के स्टेफनास सिसिपास ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। सिसिपास ने पहले मुकाबले में बेल्जियम के जियो को हराया है। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पहले दौर की बाधा को पार कर लिया है। मेदवेदेव को फ्रेंच खिलाड़ी एथमिन के खिलाफ वॉकओवर मिल गया है। इटली के लॉरेंज मुसेती ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में दूसरे दौर में जगह बना ली है। मुसेती ने शुरुआती दौर में फ्रांस की बेंजामिन बोंजी को हराया। अमेरिका के कोको गॉफ ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल के वर्ग के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। कोको गॉफ ने पहले दौर में एना कैरोलिना को हराया। रेबेका मासारोवा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। पहले राउंड में मासारोवा ने बेलारूस की खिलाड़ी को शिकस्त दी है। यूक्रेन की एलिना स्वेतलोना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन की पहली बाधा पार कर ली है। एलिना ने पहले राउंड में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी है। केन्या के एग्नेस नगेटिच ने 10 किलोमीटर रेस में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने में सफलता पाई है। उन्होंने इस रेस को 28 मिनट 46 सेकंड में पूरा किया है। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप खिताब अपने नाम कर लिया है। रियल मैड्रिड ने अपने चिर प्रतिद्वंदी बार्सिलोना को 4-1 से हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमाया। स्पेनिश सुपर लीग का खिताब जीतने के बाद विनिसियस ने अपने प्रदर्शन को क्रिस्टियानो रोनाल्डो को समर्पित किया है। सुपर कप में रियल मैड्रिड का ये 13वां खिताब रहा। रियल मैड्रिड के कोच कार्लो एंचेलॉटी ने कहा कि उनकी टीम ने इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत की और वे विनिसियस के असाधारण प्रदर्शन की मदद से मुकाबला अपने नाम करने में सफल रहे। अदा शर्मा और विपुल अमृत लाल शाह स्टारर फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी का नया पोस्टर जारी हो गया है। फिल्म 15 मार्च को देशभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। जूनियर NTR के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है। जूनियर NTR की आगामी फिल्म देवरा को अब सिनेमाघरों के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी प्रसारित किया जाएगा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग समारोह से दीपिका फिलहाल नदारद रही। रिपोर्ट की अगर माने तो फिल्म निर्माताओं और दीपिका के बीच पिछले कुछ समय से ऑल इज वेल नहीं है। हिंदी सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन बहुत जल्द ही श्रीराम नगरी अयोध्या में अपना आशियाना बनाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो बिग बी ने अयोध्या में घर बनाने के लिए एक प्लॉट खरीदा है। अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है। कंगना ने एक पोस्टर शेयर करके बताया है कि उन्होंने फिल्म में डबिंग को शुरू कर दिया है। फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म 12वीं फेल की सफलता के बाद अभिनेता विक्रांत मेसी बहुत जल्दी एकता कपूर की फिल्म विक्रांता में नजर आएंगे। फिल्म 2000 के दशक में शुरू हुई थी और ये सच्ची घटना पर आधारित है। मलयालम फिल्मों के मशहूर संगीत निर्देशक KJ जॉय का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जॉय को मलयालम संगीत के दुनिया में पहले टेक्नो म्यूजिशियन के रूप में जाना जाता है। दक्षिण फिल्मों के मशहूर अभिनेता प्रभास की आगामी फिल्म द राजा साहब का फर्स्ट लुक जारी हो गया है।
प्रभास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म का पहला रुख साझा किया है। पोस्ट में चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए कलरफुल लुंगी पहने नजर आते हैं। तेजा सज्जा स्टारर फिल्म हनुमान बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। महज 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 3 दिनों में देश भर में 41 करोड़ 59 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। रिपोर्ट की अगर माने तो फिल्म हर दिन लगभग 4 करोड़ का कारोबार कर रही है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD News। नमस्कार।